नमस्कार दोस्तों, माइंड डिजिटल में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने जो कैमरे से जब आप फोटो खींचते हैं तो उसके बैक कैमरे, जो पीछे वाला कैमरा होता है, उसके फ्रंट कैमरे, दोनों कैमरों से एक साथ फ़ोटो खींच सकते हैं। दोस्तों कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं या फिर कहीं पर भी आप फ़ोटो खींचने का मन होता है तो आप अपने दोनों कैमरों से एक साथ फ़ोटो खींच सकते हैं। एक ऐसी ही एक ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब सीखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ कुछ फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं। वो मैंने जो वीडियो डाली थी उनके थंबनेल हैं, उन वीडियोज़ के थंबनेल हैं। तो यदि आपको उनमें से कोई भी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको हमारी आज के वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के जो वीडियो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उस ऐप को आपको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, तो आप अपने प्ले स्टोर में चले जाइए और प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको यहाँ पर उस एप्लीकेशन का नाम लिखना है। तो वो एप्लीकेशन का नाम यह है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है फ्रंट बैक। इस प्रकार से आप दोनों यहाँ पर लिख दीजिए फ्रंट बैक। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन का आइकन वैसे यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और यदि आप इस प्रकार से इसको नहीं गेट आउट कर यहाँ पर इसको नहीं गेट नहीं कर सकते, यदि आपको नहीं मिलती एप्लीकेशन तो आप उसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों इन सभी एप्लीकेशन में से आपको देखिए दोस्तों ये रही, ये देखो जी दोस्तों, ये ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है आपको इसी को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का आइकन आप ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद यदि फिर भी आप इस एप्लीकेशन के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो लिंक मैं इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसका नाम जो है वो आप ध्यान से देख लीजिए, फ्रंट एंड बैक कैमरा इफेक्ट इसका पूरा नाम है। तो आप इसका पूरा नाम डालकर भी इसके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों डेफिनेटली आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। दोस्तों इसकी रेटिंग 3.2 की इसकी रेटिंग है, थोड़ी कम रेटिंग है लेकिन जो एप्लीकेशन उसका काम बराबर है। मैंने इस एप्लीकेशन को यूज़ कर चुका हूँ, मैं जो इसके फ़ोटो खींचता है वो काफ़ी अच्छे फ़ोटो खींच लेता है ये एप्लीकेशन। दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसका आइकन आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हमने एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इसका यूज़ कैसे करते हैं वो सब हम इसे सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। आप एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पर टैप टू स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, देखिए दोस्तों। और जो आपको नीचे देखने को मिल रही है वो कुछ एड्स हैं, तो आप एड्स पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है टैप टू स्टार्ट पर, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आपको लैंडस्केप, दूसरा पोर्ट्रेट और तीसरा माय क्रिएशन। दोस्तों ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन के लिए है। यदि आप चाहते हैं अपने फ़ोन को तिरछा आधा कर यदि आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप पर क्लिक कीजिए, और यदि आप अपने फ़ोन को सीधा ही रखना चाहते हैं तभी आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से अपने फ़ोटो जो है उसको खींचना चाहते हैं। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है माय क्रिएशन, जो भी आप फ़ोटो खींचेंगे वो आपको माय क्रिएशन में नज़र आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक यहाँ से दोनों में से एक ऑप्शन आपको सिखा देता हूँ। आपको यहाँ से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आपको जो भी अच्छा लगे उस पर क्लिक कर लीजिए। तो मैं यहाँ से लैंडस्केप पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आपके पास इस प्रकार की एड्स आ सकती हैं तो आप इनको कैंसिल कर दीजिए। और ये देखिए दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों हमको इस प्रकार से अपने फ़ोन को आडा रखना होगा, तिरछा रखना होगा। तो दोस्तों पहले आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को यहाँ से इस यहाँ पर इस आइकन पर दबाकर आप अपने बैक कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर फ़ोटो खींच लेता हूँ, ये मैंने फ़ोटो खींच ली। जैसे आप फ़ोटो खींच लेंगे आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों हमारा जो फ्रंट कैमरा है
वो यहाँ से ओपन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने फ्रंट कैमरे से हाथ के हाथ जल्दी से तभी आप अपनी फ़ोटो को खींच सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्पीड से भी फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों फ़ोटो खींच लिए हैं। दोस्तों मैंने दोनों फ़ोटो खींच लिए, एक बैक कैमरे से एक फ्रंट कैमरे से। इस प्रकार आप एक साथ दो फोटो खींच सकते हैं। दोस्तों आपको नीचे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, और एक शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप अपने इसको फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं, और यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको कहीं पर भी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने आपको बता दी। दोस्तों जो भी आप फ़ोटो खींचेंगे वो आपको माई क्रिएशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों ये तीन ऑप्शन से हैं केवल इस एप्लीकेशन में, और कुछ अलग से सेटिंग्स नहीं हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप इनसे फ़ोटो खींच सकते हैं अपने फ्रंट और बैक कैमरे से एक साथ। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों यदि आपको हमारी आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, और भी वीडियोज़ हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में फिर से आपको बताने वाला हूँ कि आप सब्सक्राइब कैसे करते हैं, लाइक कैसे करते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो वो सब आप यहाँ से सीख सकते हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप हमारा कोई भी एक वीडियो देख रहे हैं अभी, और दोस्तों आपको देखिए इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस रहता है अपने मोबाइल में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमारे चैनल का नाम दिखाई देगा माय इंडिया, इसके सब्सक्राइबर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको देख लाल कलर में एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देता है। तो आप इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ लाइक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको दो यहाँ पर थंब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इस प्रकार से एक इस प्रकार से। तो दोस्तों इधर वाले पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मतलब आपको हमारे वीडियो पसंद है। दोस्तों इस पर क्लिक करके आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों इस यहाँ पर क्लिक करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ डिस्क्रिप्शन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो का टाइटल दिखाई दे रहा है इस प्रकार, देखिए जैसे इस वीडियो का टाइटल यहाँ पर लिखा है, और इधर साइड में यहाँ पर एक चिन्ह लिखा दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सारी लिंक मिलेगी, जो भी मैं एप्लीकेशन जो भी लिंक देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वो डिस्क्रिप्शन ये होता है, यहाँ से आपको लिंक मिल जाती है। दोस्तों ये नॉलेज मैं केवल ऐसे ही बता रहा हूँ, वैसे आज मैक्सिमम लोग ऐसी बातें जानते हैं सब्सक्राइब लाइक और ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कम अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों आपके लिए ये भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।